सो गाइस वेलकम टू माय टेक्निकल अजमेर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में बात कर लेंगे वीवो के B14 फोन के बारे में। अगर आप लोग वीवो का B14 फोन यूज करो यानी कि वीवो का B40 स्मार्टफोन अगर आप लोग यूज करो, इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोग चाहे तो अपने फोन में इनकमिंग कॉल आते समय स्क्रीन लाइट को यूज करना। जैसे कि आपको दिखाता हूं यहां पर हमारे फोन में स्क्रीन लाइट कुछ इस तरीके का मिल जाता है, जो कि आप भी इस तरीके का स्क्रीन लाइट को अपने फोन में यूज करना चाहोगे और आपको इस तरीके का मिल जाता है जो कि स्क्रीन लाइट आप इस तरीके का यूज करना चाहते हो अपने फोन के अंदर। तो फाइनली आप लोग सही वीडियो पे आ चुके हो। अगर आप लोग के पास वीवो का B14 फोन है एंड जो कि आप लोग यूज करो तो इस फोन के अंदर सेटिंग के अंदर से आप लोग इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। तो फाइनली कैसे करना मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बता रहा हूं। फाइनली दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग यहां पर वीवो का B40 फोन यूज करो या आपका B14 हो तो यहां पर आप लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर यहां पर आप लोग इनकमिंग कॉल लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट को सेट कर सकते हो। इसमें जो कि आपका कॉल आता है डायलर के अंदर तो आपके स्क्रीन के चारों तरफ लाइट वर्क करेगा। अदरवाइज आपके पास यहां पर इनेबल कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। नोटिफिकेशन आएगा किसी भी व्हाट्सएप एंड किसी भी मैसेज पे आता है तो आपका मैसेज आते समय भी आपका लाइट वर्क करेगा। तो इसके लिए ऑन करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है आपको एंड आपका सेटिंग इस तरीके से ओपन होगा एंड इसके नीचे आपको स्क्रॉल करके आना। आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है डायनेमिक इफेक्ट एंड डायनेमिक इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको शो करेगा लाइट इफेक्ट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। नीचे आपको सभी ऑप्शन को इनेबल कर देना है, इस तरीके से ऑफ होगा तो आपको इनेबल करना है और कस्टम वाले को भी इनेबल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके आना, आपको इनकमिंग कॉल्स वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। नीचे आपको मिलेगा लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इफेक्ट शो कर देगा। अभी जो इफेक्ट है हमारे फोन में इस तरीके से काम कर रहा है एंड मैंने अप्लाई कर रखा है तो अलग अलग कलर में मैं अप्लाई करता तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई करोगे एंड यहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन कस्टमाइजेशन करने को मिल जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, कलर को चेंज करना आपको तो कलर वाले ऑप्शन पे जाओगे, मैंने यहाँ पर ग्रीन एंड उसके बाद अगर रेड चाहते हो तो रेड करोगे तो आपका कलर रेड कलर का हो जाता है। ओके पे क्लिक करके सेट कर पाओगे। अदरवाइज आपको इफेक्ट देखोगे तो आपके फोन में अदरवाइज यहाँ पर इफेक्ट मिलते हैं, इसको कस्टमाइज करना है तो आपको कस्टमाइज करने के लिए कलर पर क्लिक करके एंड ग्रीन लेना है, उसके बाद रेड लेना है और देखने में आपको कलर कस्टमाइजेशन बेटर लगेगा। और स्क्रीन की टाइम को भी बढ़ा सकते हो एंड इसके साइज को भी मोटा बढ़ता कर सकते हो, जो कि इस तरीके का आपको सेट करने के बाद अप्लाई करना है और ये आपके इनकमिंग को लाइट सेट हो जाएंगे और बेटर देखने में लगेंगे। अब इनकमिंग को लाइट सेट करने के बाद आपको यहां से बैक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन का, इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। अब इसे इनेबल करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन एप्स, एप्स को परमिशन देना होता है। अगर आप लोग किसी भी ऐप को परमिशन दे देते हो तो उस ऐप पे आपका नोटिफिकेशन आते समय मैसेज आते समय लाइटिंग काम करने वाली है। अब दोस्तों जैसे कि मेरे पास सभी एप्लीकेशन पे मैंने परमिशन दे रखा है, जो कि जो जो मेरे काम का है, आपके काम का कौन सा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर ऑन करना है, ये इनेबल हो जाएगा। क्रोम पे करोगे इनेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेल पे, ईमेल पे और यहाँ पर आपको सब कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, सभी पे आप लोग इनेबल करने के बाद आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन लाइट को भी सेट करना है। आप यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर कलर कस्टमाइज करने के बारे में। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको कलर कस्टमाइज ग्रीन येलो आपको जो भी कलर पसंद आते हैं अपने हिसाब से कर सकते हो और ओके पे क्लिक करके सेट करके और कस्टमाइजेशन साइज को बड़ा कर सकते हो, मोटा पतला कर सकते हो और यहाँ पर आपको कलर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अलग अलग तरीके से आप कस्टमाइज करके रख सकते हो और अप्लाई करोगे आपका लाइटिंग इफेक्ट सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। सेम तरीका दोनों का फंडा सेम है, आप लोग इस तरीके से अपने वीवो के B14 5G फोन के अंदर सेट कर सकते हो इनकमिंग को लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट को। जब भी आपके पास कॉल या मैसेज आएंगे तो आपका ये लाइट वर्क करने वाला एंड नोटिफिकेशन लाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीटली बेटर वर्किंग टिप्स एंड ट्रिक्स है तो अपने फोन में आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो एंड इस इनकमिंग को लाइट को अपने वीवो के B14 5G फोन अंदर ट्राई कर सकते हो। अलग अलग फिल्टर को ले सकते हो, अलग अलग आपको फिल्टर मिलते हैं, अलग अलग फिल्टर को आप लोग कस्टमाइज करके अपने फोन में यूज कर सकते हो बेटर एक्सपीरियंस के साथ। तो फाइनली आप लोग को मैंने इस वीडियो में डिटेल के साथ बता दिया वीवो के B14 5G फोन के अंदर। तो फाइनली दोस्तों आप लोग जाकर अपने फोन में ट्राई कर सकते हो, फाइनली इसे इनेबल भी कर सकते हो। फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाबा दोस्तों।